नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। VO2 मदरसा इस्लामिया तेलियान फतेहपुर शेखावटी में प्रथम वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। कौम तेलियान के सचिव फारूक निर्वाण ने सूचना दी कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनाब PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और अल्पसंख्यक मामलात मंत्री जनाब सहाले मोहम्मद विशिष्ट अतिथि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष खानू खाना बुधावाली अध्यक्ष राज्य कमिश्नर मामलात रफीक खान विधायक फतेहपुर हाकम अली खान नगरपालिका के अध्यक्ष मुश्ताक नजमी ने कौम के तेलियान के 88 भामाशाहों बोर्ड टॉपर स्टूडेंट्स स्टाफ कमेटी मेंबर का सम्मान किया। गोविंद जी डोटासरा ने मदरसे में पुस्तकालय का उद्घाटन किया, दो कमरों का निर्माण राशि की, एक कंप्यूटर लैब की घोषणा की। मंत्री साले मोहम्मद जी ने मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकरण योजना के अधीन 15 लाख रुपए स्वीकृत किए। विधायक हाकम अली खान ने मोहल्ला तेलियान में प्राथमिक हॉस्पिटल एवं हॉल 4 मोहल्ला तेलियान में सड़कों के निर्माण की स्वीकृति दी। नगरपालिका के अध्यक्ष मुश्ताक नजवी ने मदरसे में एक सुलभ शौचालय की घोषणा की। मदरसे के सामने एक सड़क बनाने की भी घोषणा की। कार्यक्रम में सदर हाजी यासीन मोहम्मद शरीफ चौहान फिदा हुसैन शौकत इशाक मोहम्मद हुसैन रजाक जाकिर मुबारक वार्ड पार्षद जुनेद खुदाबख्श नमजुद्दीन रफीक इमामुद्दीन साबिर अकरम भाई रफीक बरा अनवर तगाला मोहल्ले के तमाम लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन मोहम्मद नजमुद्दीन तगाला ने किया है। जुनेद जी तगाला पार्षद वार्ड नंबर 35 प्लीज कम अप ऑन द स्टेज। जुनेद जी तगाला पार्षद वार्ड नंबर 35 प्लीज कम अप ऑन द स्टेज। और अभी का आगाज हुआ है, इसके लिए मैं इस प्रोग्राम के आयोजकों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं भी आपके ही बीच का हूँ। मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई बहन सारे मेरे सामने बैठे हैं। इस स्कूल में मैंने बचपन में शिक्षा भी ग्रहण की है, इसी मदरसे में मैंने भी पढ़ाई की है। बच्चियों के बारे में जो मास्क के बारे में सुना मैंने, उससे बहुत दिल खुश हो गया। बच्चियों और बच्चों के जो माँ बाप हैं यहाँ हैं, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने बच्चियों को पढ़ाएं। आज हर नौकरी में 30% आरक्षण बच्चियों का है। जुडिशरी राजस्थान जुडिशरी में कम से कम 20 लड़कियाँ दस है, हर कौम की है। अभी एक मुस्लिम लोहार कौम से भी एक बच्ची आई है। अपने पास आज अपने समाज के पास खूब पैसे हैं, खूब साधन है, सब चीज़ है। कमी किस चीज़ की है? कमी सिर्फ सोच की है। हम अगर अच्छा सोचेंगे, बड़ा सोचेंगे, प्रण कर लेंगे कि अपने बच्चे बच्चियों को पढ़ाएंगे, उन्हें सरकारी नौकरी में लाएंगे, तो कोई मुश्किल नहीं है कि अपनी बच्चियाँ अपने बच्चे समाज में उच्च मुकाम हासिल न कर सकें। आज जिस प्रकार का माहौल है, जिस प्रकार की सब चीज़ें हैं, उसमें सरकारी नौकरी में आना, अच्छी पढ़ाई करना, अच्छी इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अभी बच्चियों ने बहुत फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पर स्थान बनाया है, अगर ये बच्चियां चाहे तो आगे बढ़ सकती हैं, आगे कर सकती हैं, आगे अपना उच्च मुकाम हासिल कर सकती है। इस्लाम में शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। कुरान का पहला शब्द ही इकरा से शुरू हुआ है। इकरा यानी पढ़ो।
इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कम से कम अपने एक बच्चे को या एक बच्चे को इस कोर्स तक पढ़ाएं कि हमें उनको आगे बढ़ाना है, आगे सरकारी नौकरी करवानी है। आप हर प्रकार की कोचिंग, एजुकेशन, सब चीज़ सब अवेलेबल कर सकते हैं। अपना समाज करेगा, हम आप लोगों के साथ हैं, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए हम आपको गाइड करेंगे। सबसे अपने इसमें बड़ी कमी है मानसिक सोच की, हमें सोचते ही नहीं है कि हमें नहीं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।